नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 2 घंटों में बेकाबू हो जाएगा। लगभग दोस्तों 400 जिलों में भयानक तबाही देखने को मिल सकती है। अगले 2 घंटों के भीतर दोस्तों तूफान बेकाबू हो जाएगा, जमकर बारिश, भयंकर बाढ़ बर्बादी देखने को मिल सकती है। भारत के 17 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, वहीं दोस्तों मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यहां पर दोस्तों पिछले कई दिनों से मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ ही कुछ स्थानों पर भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है। अब तक दोस्तों भयंकर बाढ़ बर्बादी की वजह से 1156 लोगों की मौत हो गई है। ये अलग अलग राज्यों का आंकड़ा आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1156 लोगों की मौत बताई जा रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, लगभग सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल, 50,000 से ज्यादा घर खत्म हो गए हैं। इस समय दोस्तों यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो लगभग 20,000 घर दोस्तों पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 2,000 गांवों के अंदर भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, राप्ती, ये सभी नदियां बेकाबू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बुरा हाल है दोस्तों 7 जिलों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिनमें भी दोस्तों प्रमुख जिले हैं, आपको दे मिर्जापुर, सहारनपुर, साथ ही दोस्तों आपको दे प्रयागराज और वाराणसी, ये दोस्तों 4 जिले ऐसे हैं जहां पर गंगा ने सबसे ज्यादा भयंकर तबाही मचाई है। और अगले 2 घंटों में दोस्तों बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान बेकाबू हो जाएगा और जबरदस्त दोस्तों अत्यंत भीषण भारी बारिश कराएगा, साथ ही लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान भी चल सकता है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस समय भूलकर भी नदी नालों के पास ना जाएं, साथ ही भारी बारिश के चलते बाहर भी ना निकले, क्योंकि लगातार आकाशीय बिजली गिर रही है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से अब तक करोड़ों लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो 322 लोगों की अपर मौत हो गई है। और इस समय भारत ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो दोस्तों ताबड़तोड़ बारिश, भयंकर बाढ़ बर्बादी की वजह से 1256 लोगों की मौत, 10 लाख घर खत्म, 3.3 करोड़ लोग दोस्तों प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को अन्य स्थान पर पहुंचा दिया है। और आज दोस्तों भारत में हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने दोस्तों भारत से मदद मांगी है, इसलिए दोस्तों आज हाई लेवल मीटिंग हो रही है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अलर्ट रहे, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, नदी नालों से दूर रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।